हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस डिश कोथिंबीर वड़ी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये कोथिंबीर वड़ी जो है इसमें हमने हरा धनिया और बेसन का इस्तेमाल किया है। इसमें ये जो दो इंग्रेडिएंट ये मेन होते हैं, इसे आप नाश्ते में या फिर इवनिंग में स्नैक्स में खा सकते हैं। खाने में ये वड़ी बहुत ही टेस्टी लगती है और क्रिस्पी भी होती है, तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करना और इसका फीडबैक मुझे जरूर देना। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने हरा धनिया लिया है एक बंच, और हरे धनिया के देखिए हमने यहाँ पे डंडिया जो होती है मोटी मोटी उसको हमने अवॉइड किया है, और जो पतली पतली डंडिया होती है उसी का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। देखिए आप देख सकते हैं फ्रेश धनिया का हमने इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर हमने धनिया को अच्छे से स्ट्रेनर में डाल दिया और इसे अच्छे से 2 से 3 मरतबा वॉश किया ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा मिट्टी वगैरह होती है वो निकल जाए, और इसे हमने धोने के बाद ऐसे ही खुला करके दिया है। फिर भी इसमें देखिए आप, इसमें आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा पानी जो मॉइस्चर होता है ये है, इसलिए हम इसे कॉटन के कपड़े से पोंछ लेते हैं और इसे हल्का हल्का कट लगा लेते हैं। सकते हैं हरे धनिया को हमने कॉटन क्लोथ से अच्छे से पोंछ लिया है, कॉटन के कपड़े से ये ड्राई हो गई है और इसे हमने कट लगाए हैं यानी उसे काट लिया है। ज़्यादा भी हमने इसे बारीक नहीं काटा है, तो अब हम इसे एक साइड में रखते हैं। हमें यहाँ पर हरी मिर्च और लहसुन का क्रश लगने वाला है, तो हरी मिर्चें हमने यहाँ पर 4 ली है और लहसुन की कलियाँ छोटी बड़ी 8 लहसुन की कलियाँ ली है, 4 बड़ी है और 4 छोटी है। और यहाँ पर देखिए 4 हरी मिर्चें हमने ली है, तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करना। ये हमने जो 4 मिर्चें ली ये ज़्यादा तीखी नहीं है, तो अब हम इसे कट करेंगे और इसका हम क्रश कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्रश कर लिया है, बिना पानी से ही हमने मिक्सी के जार में इसे मोटा मोटा क्रश कर लिया है। आप अगर चाहो तो इसे कूट कर भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर एक बाउल लिया है और बाउल में हम ऐड करेंगे हरा धनिया। सारा हरा धनिया काटा हुआ हम इस बाउल में डाल देते हैं और उसके बाद हमें यहाँ पर चने का आटा लगने वाला है, यानी कि बेसन हमने लिया है और ये बेसन हमने मेजरिंग कप से 1 कप लिया है, तो ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद हमारी जो वड़ी बनेगी ये खस्ता बनेगी, क्रिस्पी बनेगी, अगर हम इसमें ये चावल का आटा भी मिक्स करेंगे तो। तो हमने यहाँ पर 3 टेबलस्पून चावल का आटा लिया है, राइस फ्लोर हमने 3 टेबलस्पून लिया है, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये सूखे मसाले यानी कि हल्दी और मिर्च पाउडर। तो यहाँ पर हमने लाल मिर्ची का पाउडर लिया है 1 टीस्पून और हल्दी ली है 1/2 टीस्पून, नमक लेना है स्वादानुसार, तो हम इन सारी चीज़ों को इसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद हम इसमें साबित जीरा ऐड करेंगे, तो जीरा हमने यहाँ पर 1 टीस्पून लिया है, और उसके बाद 1 टेबलस्पून हमने व्हाइट वाले तिल लिए हैं। तो ये जो तिल है इसमें से हम थोड़े से तिल बचाएंगे, उसका हम इस्तेमाल टॉपिंग के लिए करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये तिल है, उसे हम साइड में रखेंगे। और उसके बाद हमने जो ये क्रश किया है हरी मिर्ची और लहसुन का, तो वो भी हम इसमें डाल देते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से हाथों से मिला लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमें अच्छे से हाथों से मसल कर मिक्स करना है ताकि जो हमने हरा धनिया लिया है, हरे धनिया में जो मॉइस्चर है ये बेसन में आ जाए, इसलिए हमें इस तरह से इसे हल्का सा हाथों से दबा दबा कर क्रश करते हुए इस तरह मिक्स करना है। इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे, हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे और एंड में आपको बताएंगे हमने इसमें पानी कितना मिलाया है, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा पानी मिलाना नहीं है। देखिए इस तरीके से हमें दबा दबा कर मिक्स करना है, पानी ज़्यादा डालेंगे तो उससे क्या होगा, वड़ी जो बनेगी ये खस्ता नहीं बनेगी, नरम हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हो हमने इसका डो बना लिया है, और अब हमने इसमें पानी जो इस्तेमाल किया है ये 2 से 2.5 टेबलस्पून हमने इसमें पानी मिलाया है, ज़्यादा पानी हमने नहीं मिलाया है, बस मिला मिला कर हमने इसका डो बनाया है। देखिए यहाँ पर हमने एक स्टील की प्लेट का इस्तेमाल किया है और इसको हमने ऑयल से ग्रीस किया है, और जो हमने बचाए थे तिल, इस तिल को हम इस तरह से नीचे
इस तरह डाल देते हैं और उसके बाद हम इसके ऊपर जो हमने डो बनाया है तो वो डो हम इसके ऊपर रखेंगे और इसे सेट करेंगे। आप इस प्लेट के बजाय टिन का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर डब्बे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, स्टील के डब्बे या फिर ट्रे का इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी चीज़ से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने तिल को रख दिया है और इसके ऊपर हमें इस डो को रखना है। तो इसे हमें इस तरह रख कर ऐसे इस तरह से टैप करते हुए फैलाना है। देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से सेट कर लिया है एक प्लेट में और अब हम स्टीमर रख देते हैं गर्म होने के लिए। हमने यहाँ पर स्टीमर का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो कुकर का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप इसमें टोप में भी बना सकते हो इसे। यहाँ पर हमने देखिए स्टीमर में इस प्लेट को रख दिया है और फ्लेम को हम मीडियम करेंगे और इसे 10 से 15 मिनट तक स्टीम देंगे। 15-16 मिनट हो चुके हैं तो देखिए यह अच्छे से कुक हो चुका है। तो अब हम इस प्लेट को बाहर निकालेंगे और ठंडा करेंगे। वड़ी को ठंडा करके हमने पीसेस में कट कर लिया है। आप देख सकते हो कितनी परफेक्ट वड़ी हमारी बनी है। ये जो हमने तिल नीचे प्लेट में डाले थे जो टॉपिंग के लिए, तो ये वही साइड है नीचे वाली और ये जो साइड है ये ऊपर वाली साइड है। तो देखिए कितनी परफेक्ट हमारी वड़ी बन गई है। तो अब हम इसे फ्राई करने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर तेल हमारा हल्का गर्म हो चुका है तो अब हम वड़ी को फ्राई करेंगे। फ्लेम को हमने लो रखा है और लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। वड़ी को जैसे हल्का गोल्डन कलर आ जाए तो अब हम इसे पलट लेंगे। ठीक है, नीचे से ये हल्का गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है। सारी वड़ी को हमें इस तरह से पलटना है। देखिए ज़रा भी टूट नहीं रही है, कितनी परफेक्ट बनी है। अलट पलट कर हमें दोनों तरफ से वड़ी को क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। दोनों तरफ से देखिए कितना हल्का गोल्डन कलर आया है और वड़ी भी हमारी कितनी अच्छी क्रिस्पी हो गई है। तो अब हम इसे एक टिश्यू पेपर पे रख देते हैं, एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हो इसकी आवाज़ भी सुन सकते हो। देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है वड़ी। कोथिंबीर वड़ी हमारी क्रिस्पी और मज़े की बनकर तैयार हो गई है और हमने इसे सर्व किया है। देखिए कितनी बेहतरीन बनी है और क्रिस्पी बनी है, टेस्टी भी बनी है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।